वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। अतीक के बेटे का होगा एनकाउंटर, पुलिस के जवानों को मिलेगी 50,000 इनाम की राशि। एसएसपी ने दे डाली अतीक के बेटे को ये चेतावनी। उत्तर प्रदेश पुलिस का शिकंजा, अब प्रदेश में गुंडई और माफिया बन आम लोगों को परेशान करने वालों के ऊपर कसता चला जा रहा है। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, सबकी मुश्किलें खूब बड़ी हुई हैं। हालात इतने खराब हैं कि एक समय पर बाहुबली कहे जाने वाले तो अब जेल में बंद हैं और बाहर एनकाउंटर और बुलडोजर के डर से इनके गुर्गे पुलिस के सामने सरेंडर करते दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाज नहीं आ रहे और पुलिस की बार बार चेतावनी के बाद भी सरेंडर नहीं कर रहे। ऐसा ही एक है अली अहमद, गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद का बेटा, जिसके ऊपर बीते साल दिसंबर में प्रॉपर्टी डीलर जीशान को धमकाने और 5 करोड़ रंगदारी मांगने का आरोप है। प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी शिकायत में ये भी आरोप लगाया था कि अतीक के छोटे बेटे अली अहमद ने अपने साथियों के साथ मिलकर 5 बीघा जमीन हत्या ली है और तब से ही यूपी पुलिस अली की तलाश में लगी हुई है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब यूपी पुलिस अली पर सख्त एक्शन लेने के मोड में आ गई है। पिछले दिनों प्रयागराज पुलिस ने अली पर 25,000 के इनाम को बढ़ाकर 50,000 कर दिया था। इसके बावजूद अभी तक अली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन अब लगता है कि प्रयागराज एसएसपी ने अली को ठिकाने लगाने का मूड बना लिया है। एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने कहा कि अली काफी समय से फरार चल रहा है, उसके कई साथियों को तो हम पकड़ चुके हैं, अली पर भी हमने 25,000 का इनाम बढ़ाकर 50,000 कर दिया है, हमें अगर जरूरत लगी तो इसे 1,00,000 भी किया जाएगा। अली अहमद की तलाश कई महीनों से जारी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अली की तलाश काफी समय से की जा रही है, अगर तलाशी के दौरान वो किसी मुठभेड़ में घायल होता है या एनकाउंटर में उसकी जान जाती है तो इनामी राशि जांच करवा कर बांट दी जाएगी। वहीं आईजी ने कहा कि अली अहमद को पकड़ने के लिए 3 टीम काम कर रही है, हालांकि अब मामले में एक्शन के लिए एसटीएफ और अन्य एजेंसियों से मदद ली जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले लखनऊ के कारोबारी को अगवा कर और उससे रंगदारी मांगने के मामले में अतीक का बड़ा बेटा उमर पहले से ही फरार चल रहा है और उस पर भी पुलिस ने लगभग 2,00,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। अब इसके बाद अतीक और उसके पूरे परिवार के हाथ पांव फूले हुए हैं और उसकी मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।